बहुत बार हम सोचते हैं कि काश मैं अपने मोबाइल में सीक्रेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाता। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई यूट्यूब की वीडियो बनानी है और आप चाहते हो कि मेरे नोटिफिकेशन में कोई भी ऐसा मैसेज शो ना करे जिसमें रिकॉर्डिंग शो कर दिया है कि मेरी रिकॉर्डिंग चालू है या फिर ऑफ है, और यहाँ पे एक बबल सा भी शो होता है जिसमें पता लग जाता है कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपने फ्रेंड को अपना मोबाइल दे रहे हो और आप तुरंत ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हो और उसे पता भी ना चले कि मेरे मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, और बाद में मैं ये पता लगा सकूं कि उसने मेरे मोबाइल में क्या क्या किया है। तो आप किसी को मोबाइल देते हो तो आप ये पता लगाना चाहते हो कि उसने मेरे मोबाइल में क्या क्या किया है। तो आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा, मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूं जिसके जरिए आप ये आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1K लाइक। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पर यहाँ पे 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्ले स्टोर से आपको AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा इसकी जिससे आप जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपके यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन शो भी नहीं होगा और आपके स्क्रीन पर कोई भी बबल शो नहीं होगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अभी आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसे बबल दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। अभी आपके मोबाइल में यहाँ पे AZ स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पे रेजुलेशन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे रेजुलेशन कम से कम रखना है ताकि आपकी मेमोरी यहाँ पे ज़्यादा फुल ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 520x240 पर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे और आपको यहाँ पे बिट रेट पे भी यहाँ पे कम से कम रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 4 Mbps। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे और आपको यहाँ ऑटो ही रखना है ताकि आपका मोबाइल रोटेट भी हो तब भी वैसे ही रिकॉर्ड होता रहे। और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो की सेटिंग भी ऑन कर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है हाइड दी रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, आपको इसे यहाँ से ऑन करके रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पे काउंट डाउन बिफोर स्टार्टिंग, आपको इसे भी यहाँ से ऑन कर देना है। और यहाँ आपको यहाँ पे काउंट डाउन वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे आप बैक आ जाएंगे। तो आपके यहाँ पे लगभग पूरी सेटिंग हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे बैक चले आना है। बैक आने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले आना है। यहाँ पे आने के बाद अभी आपको एक सेटिंग यहाँ पे फाइंड करनी है, उस सेटिंग का नाम है यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर। आपके मोबाइल में ये सेटिंग एप्लीकेशन नाम से भी ये सेटिंग हो सकती है। तो जैसे कि मैं अपने मोबाइल में यहाँ पे ऐप मैनेजर की सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन सर्च करना होगा, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको इसे ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे और आपको ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में यहाँ पे ये ऑन होगा, आपको ये बाद आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ कर देने हैं। आपके मोबाइल में ये बाई डिफॉल्ट यहाँ से ऑन होगा तो आपको इसे ऑफ कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। अब भी आप जब भी आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल में यहाँ पे कोई भी बबल कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इस मोबाइल में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने जा रहा हूँ और आप देखना कि ये बबल यहाँ से गायब हो जाएगा, नोटिफिकेशन में भी कोई मैसेज शो नहीं करेगा। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए आपको इस बबल पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने कुछ काउंटडाउन ऑन होगा तो आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है कि इस मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अगर मैं इस मोबाइल की स्क्रीन भी ऑफ कर देता हूँ तो फिर भी यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती रहे और ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में भी नहीं शो करेगी। वीडियो ऑफ करने के लिए आपको दोबारा से उस एप्लीकेशन पर टैप करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो वीडियो को स्टॉप करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना तो आपकी ये वीडियो यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को यहाँ से प्ले भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से इसे कट करके आप यहाँ पे दोबारा से इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्लिक आपके मोबाइल में जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की होगी इस एप्लीकेशन में वो सभी आपको यहाँ पे शो की जाएगी। तो वीडियो को प्ले करने के लिए आपको इसे ओपन कर लेना है तो आपके सामने वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें तो आपको ये एप्लीकेशन अपने बैकग्राउंड में ऑन मत रखिएगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगभग स्टार्ट होने वाली है।
तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो नोटिफिकेशन कोई बबल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन यूज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेगा और उन एप्लीकेशन को यहाँ से कट कर देगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो आपको जब भी ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें तो आपको बैकग्राउंड में इस एप्लीकेशन को कट कर देना है। तो आप जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करें तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे एक बार टैप करना है और आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद अभी आपके सामने एक काउंट डाउन स्टार्ट होगा। काउंट डाउन स्टार्ट होने के बाद जब ये खत्म हो जाए तो आप अपने फ्रेंड को अपना मोबाइल दे सकते हो। तो लगभग आपको मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।